डेयरी फार्म चैनल हमें आज किंग फिश वर्ल्ड पर और यहाँ पर आज मैं आप लोगों को काफ़ी सारे फिशेस के ऑफर और एग्जॉटिक फिशेस बताने वाला हूँ। जैसे बहुत बड़े फ्रेम में एलिगेटर गार यहाँ पर है और इसके साथ साथ जो कैट्स की ग्रूमिंग सर्विस है उनके बारे में भी डिटेल बात करेंगे यहाँ के ओनर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उमर भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अनिल भाई, आपका लोकेशन कहाँ पर है? शाली बंडा हरीवली चौरस्ता किंग फिश वर्ल्ड है। शाली बंडा हरीवली चौरस्ता किंग फिश वर्ल्ड। उमर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ग्रूमिंग वगैरह देख लीजिए, बाथिंग वगैरह, नील क्लिपिंग, हेयर कटिंग इन लोगों के लिए, नाखून काटने के लिए, एवरीथिंग पूरा, वो बॉडी वॉश, पीछे किसी को बीमार वगैरह हो गए, मेडिकल बात भी आपके पास है? हाँ, मेडिकल बात भी हो जाएगा जी। ओके, उसके बाद केजेस है अपने गन, केजेस ये 1500 रुपये में केजेस आता, इम्पोर्टेंट केजेस है, फोल्डेबल केजेस है, मैं अंदर वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये 2.5 फीट है, ये 3 फीट का केजेस है। ओके, फिर उसके बाद ये मॉन्स्टर फिश है जो एलिगेटर गार, ये असल देखा गया तो ये ज़्यादातर पॉन्ड में डालने की फिशेस है, ये हम एक्वेरियम में डाले जी। एलिगेटर गार ये आपको कम से कम 1.5 फीट की एलिगेटर गार है। 1.5 फीट? हाँ, आपका हाथ लंबा करके रखे। हाँ जी, 1.5 फीट की एलिगेटर है, मेल फीमेल जोड़ा है। मेल फीमेल है? हाँ, मेल फीमेल है। ओके जी, लोग गारा फिश भी बोलते हैं, गारा नहीं होता, ये एलिगेटर गार है, शॉर्ट टेल है, शॉर्ट नोज वाली है, नोज इसकी छोटी वाली है। इसमें 2 वेराइटी आते, 7 वेराइटी आती है। ये एलिगेटर ही होती, सिर्फ इनके पैर नहीं होते, पर होते, पर लेकिन बहुत बड़ी दांत वगैरह देखे, हर चीज रहते लाइफ। और ये क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई मच्छियों के साथ नहीं रहते, 10 सीलों के साथ, इसमें दूसरी वेराइटीज है वो नहीं रहती। अच्छा। जो नोज बड़ी वाली रहती ना, वो ये शॉर्ट नोज है, ये मच्छियों के साथ है, गोल्ड फिश भी है, ये फिटिंग के लिए नहीं, पालने के लिए डाले, ये नॉर्मल फूड पे रह रही है, देखिए जो। ओके जी, और इसके बाद उसके बाद अरवाना है, ये 2000 रुपीज के अरवाना है ईच वन, ये में एक अरवाना आएंगी, साइज देख लीजिए आप। अरवाने के साइजेस क्या क्या है आपके? ये बड़े अभी तो 3 पीसेस है मेरे ख्याल से, सिर्फ 3 है, 3 पीसेस है। क्या इंच का साइज है इनका? ये मेरे ख्याल से 7 से 8 इंच रहेगा जी। क्या प्राइस में है ये? आपको 2000 रुपीज ईच वन रहेगा। कितने? 2000 रुपीज ईच वन जी। फिर उसके बाद रेड पैरेट है जो 600 रुपीज पेयर है, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं जी। और ओके, 600 रुपीज पेयर है, पेयर है, छोटे ऑस्कर है, 500 रुपीज पेयर है, ऑस्कर वाले 500 में पेयर है, पेयर है। ये टैंक्स भी मिल जाते अपने को, टैंक्स भी क्या साइज बोलो, कैसा बोलो, मिल जाते। अच्छा, साइजेस अवेलेबल है, और अंदर फिशेस देखेंगे, एक्वेरियम देखेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए चलिए, आप हम आगे यहाँ पर आपके फिशेस के जो ऊपर वाला सेक्शन है उसमें जी। ये एक्वेरियम मत लेंगे उमर भाई जी। उमर भाई, बहुत लोगों को पूछ रहे क्या कारोबार है खलील भाई आपका बोल के, क्या कारोबार है मेरा, मैं अभी आगे बोलूंगा। मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्वेरियम बतला दूंगा जी। और मेन फिशेस है 10 रुपए ईच वन वाले फिशेस है। आज काफी दिनों बाद काफी ज्यादा वैरायटीज वाला कलेक्शन आया हुआ है आपके पास जी। तो इसमें बहुत सारे फिशेस मैं बतलाने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखो, और स्टॉक भी बहुत ज्यादा है। और ओरोंडा गोल्ड भी है, देखिए उमर भाई, फर्स्ट ओरोंडा गोल्ड भी आपके पास है। ये क्या प्राइस है? ओरोंडा गोल्ड भी 10 रुपए ईच वन वाले है, ओरोंडा गोल्ड है, रेड कैप गोल्ड है इसमें जी जी। और उसके बाद क्या बोलते हैं सर, टेट्रास है जी, टेट्रा भी 10 रुपीज ईच वन वाले है, 10 रुपीज ईच है जी। ओके, और इसके बाद में आपके पास, और ये एसके गोल्ड्स है, कोयकाफ है जी इसमें, और उसके बाद चीकलेट वेराइटीज है, मॉन्स्टर फिशेस है पूरे, खाने वाले एवरीथिंग करने वाले, मॉफ वेराइटीज है पूरे अलग अलग। ओके, ये सारे भी 10 रुपीज ईच वन रहेंगे। फिर उसके बाद टेल्फिन बार है, टेल्फिन बार भी सेम रेट रहेंगे, टेल्फिन बार भी 10 रुपीज ईच वन है, और गोल्ड फिश भी 10 रुपीज ईच वन है। आप ब्लैक मॉल 1 बजे से लेकर 7 बजे तक टाइमिंग रहेंगी, वो टाइमिंग में आ जाइए आप, मिल जाएंगे सिर्फ संडे के दिन, संडे के दिन। उसके बाद क्या हो रहा है, एसके गोल्ड, एसके गोल्ड और भी है यहाँ, और भी है एसके गोल्ड्स वगैरह भी है देखिए। फिर उसके बाद अपने को मोलीस है, चॉकलेट मोलीस है जी जी, वो भी आपको 10 रुपीज ईच वन मिल जाएंगे। फिर उसके रोजी बार है, रोजी बार भी 10 रुपीज ईच वन है, रोजी बार भी 10 रुपीज से ईच रहेंगे। हाँ जी, उसका टाइगर बार भी है, टाइमिंग आप समझ लो भाई संडे के दिन रहेंगे, 1 बजे से 7 बजे तक आपको मिल जाएंगे। ओके, और ये वाले कौन से? ये छोटे मॉफ है, छोटे वाले मॉफ, ब्लू मॉफ है, येलो मॉफ है, उसमें देख ले सके। ये भी 10 रुपीज ईच रहे, 10 रुपीज ईच वन रहे। और एक क्या बोलते थे, सक्कर कैट है जी, सक्कर कैट भी, सक्कर कैट नॉर्मली आप लोग जब देख रहे हो नीचे ज्यादा रह रहे थे, अभी देखिए पूरी ग्लास पर चिपके हुए है, ये सकिंग करते रहते हैं और पूरा ग्लास पे जो चिकनाहट रहती है साफ कर, ये बल्दिया का काम करते समझिए, खाया पिया कोई साफ करने हाथ नहीं हो रहा है, ये लोग काम कर लेते रहते हैं जी, जी बेहतरीन तरीके से। और वो देख ले सकते हैं आप, ये भी आपको 10 रुपए ईच वन मिल जाएगी, एल्बिनो टेट्रा, एल्बिनो टेट्रा। फिर उसके बाद मोलीस है बड़े वाले जी, मोलीस भी देख ले सकते हैं, साइज वगैरह, कलर साइज वगैरह, A to Z, इसमें 3-4 वेराइटीज है, वो भी सेम रेट रहेगा। ओके, सेम रहेंगे, और इंशाल्लाह कल और स्टॉक भी आने वाला है, वो भी मिल जाएंगे आपको, ये भी 10 रुपीज में ईच वन रहेगा। ज़ेब्रास है, ज़ेब्रास,
ठीक, काफी ज्यादा कलेक्शन। एक मिनट रुक जाइए। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक्वेरियम है, क्या साइज है? उमर भाई मेन ये लोग कारोबार के बारे में पूछ रहे थे मेरे जी। क्या पूछते हो कारोबार का हाल? आईने बेचता हूँ हंदों के शहर में। अच्छा जी, बस और कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा उम्मीद है। एक बार बोलिए, क्या बोले आप? क्या पूछते हो कारोबार का हाल? क्या पूछते हो कारोबार का हाल? पॉट पॉट प्लास्टिक पॉट नहीं, फिर से आधी लाइन बोले थे आप। नहीं, क्या क्या पूछते हो कारोबार? क्या पूछते हो मेरे हाल? कारोबार का अंधों के शहर में आईने बेचता हूँ। अच्छा जी जी, बहुत पुरानी डाले गए, शानदार है जी, और कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है मेरे को। और नेक्स्ट उमर भाई मेन क्या है? फिशेस है। और बहुत जने बिल्लियों के बारे में मेरे को बहुत ज्यादा पूछ रहे थे कि खलील भाई बिल्लियां क्यों नहीं डाल रहे वीडियो में। इंशाल्लाह वो भी डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे, थोड़ा टाइम है, क्योंकि हम WWF जो वर्ल्ड फेडरेशन है, हम उनसे टाई ओवर है। तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फेलाइन की एसोसिएशंस की उनके साथ हम टाई ओवर होके कुछ काम कर रहे हैं। हमारे तेलंगाना कैनल एसोसिएशंस है, तीन चार जने मिलके काम करके बिल्लियों की दुनिया बदलने वाले, आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा। इंशाल्लाह शॉर्टली हम लेके आने वाले, वो भी दिखाएंगे, और आपको बहुत सारी चीजें जो बिल्लियों के, जैसे कि वैक्सीनेटेड है जी, और बिल्लियों का पासपोर्ट है, और नेक्स्ट इंडिया ने इंडिया से बाहर आप लेके गए वैसा, और मेन हेल्थ इंश्योरेंस है बिल्ली का। आप बिल्ली का बच्चा मेरेगन से खरीदे या हमारे तेलंगाना कैनल एसोसिएशन के जो भी शॉप्स ओपन होंगे वहां से बिल्ली का बच्चा खरीदेंगे तो आप हेल्थ इंश्योरेंस हम करा के देंगे। इंटरनेशनल, नेशनल, इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर जो भी हॉस्पिटल में स्टार्ट हो गया है, अभी होने वाला है, इंशाल्लाह शॉर्टली स्टार्ट होने वाला है, कोशिश कर रहे हैं हम वो भी लेके आने की, इंशाल्लाह शॉर्टली होगा, क्योंकि हमारी टीम्स बात करे, कई बैंक से बातचीत चल रही, जो ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंडिया के टॉप बैंक जो है इंश्योरेंस कर दे अप्लाई करने, जो कैट के बच्चों के लिए, जैसे कि कोई 5,000 में ले रहे बिल्ली का बच्चा, 8 दिन यूज कर रहे, खाना नहीं खा रहे, मर जाएगा, हम वो काम नहीं होने देंगे। पहली बात तो डॉक्टर्स उन लोग को बचाएंगे, क्यों बचाएंगे? वो तो हम इंश्योरेंस करके देंगे, जो भी क्लेम करेंगे आपको वो डॉक्टर से फ्री में काम होगा, लेकिन कंडीशंस रहेंगी उसके ऊपर। ऐसे नहीं कि आप बिल्ली खरीद ले रहे हैं और उसको टेक केयर नहीं कर रहे, बीमार होने के बाद लेके जाके डाल दे रहे, ऐसा नहीं है, आप लोगों को टेक केयर करना पड़ेगा। वो तो टर्म्स एंड कंडीशन में जो भी रहेगा, अभी इंशाल्लाह वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, शॉर्टली हमारे प्रवीण सर उसके बारे में बोलेंगे, हर किसी को जो भी है उसके बारे में आपकी डिटेल आएंगी। और मेन मुद्दा पॉड्स है, जैसे कि ये 60 रुपीज ईच वन है जी, और ये 80 रुपीज ईच वन वाला है मच्छियों के साथ। अच्छा जी, कितने फिशेस आएंगे इसमें? 2 मच्छी आएंगी उमर भाई, 3 है जी, और इसमें 120 रुपीज वाला है ये वाला, जो मच्छियों के साथ मिलेगा जी। फिर उसके बाद 180 रुपीज वाला है, आपको फिशेस के साथ दे देंगे जी जी। और ये वाला? ये वाला 300 रुपीज वाला, 300। इसमें कितने फिशेस आएंगे? इसमें आपको 4 फिशेस आएंगे, 4 फिशेस आएंगे, जो पसंद हो आप लोगों को उस हिसाब से ले, जो अवेलेबल है वो ले सकते हो उमर भाई। और ये वाला 400 रुपीज में ये आएगा, फिर ये पीछे का 450 रुपीज में ये आएगा, 450 रुपीज में। और मेन क्या बोलता सर, ये 499 रुपीज में आएगा, 18x9 18 इंच बाई 9 इंच रहेगा, टॉप रहेगा, टॉप नहीं रहेगा, स्टोन्स रहेंगे, फतरे रहेंगे, पीछे का पोस्टर रहेगा ठीक, 399 में इसके बाजू है, और स्टोन्स भी आएंगे, पोस्टर, प्लांट, एक्वेरियम भी आएंगे, और क्या बोलते सो मोल्डेड एक्वेरियम है 2000 रुपीज का, 1500 का एक्वेरियम है, 1500 में जी। और इसके बाजू वाला 2200 जी, छोटा वाला एक्वेरियम फिशेस के साथ में 1500 रुपीज फिशेस के साथ। अच्छा, फिर इसके 2200 रुपीज में ये भी फिशेस के साथ आ जाएगा, और 2600 में ये भी आपको फिशेस के साथ, कितने फिशेस आएंगे? 5 जोड़ी आएंगे उम्र में। अच्छा, 10 फिशेस देंगे, और लोग लाइफ प्लांट्स हो रहे थे जी, इंशाल्लाह वो भी आ गया, आप लोगों को लाइफ प्लांट्स भी देख सकते हैं जी। क्या प्राइस में एक है ये? 70 रुपीज में ईच वन रहेगा, 70 रुपीज ईच है। और फाइटर बोल रहे थे उमर भाई, फाइटर भी आ गए, बेटा फिश भी यहाँ पर है अवेलेबल, ये बेटा फिश अपने को 50 रुपीज की ईच वन रहेंगे, देखिए। ओके, इसमें इम्पोर्टेंट भी है जो 150 वाले, वो भी आपको मैं वो करूंगा जी। फिर उसके बाद नॉर्मल पोर्ट्स वगैरह है 99 रुपीज वाले, ये जो भी है ना वो भी आप देख ले सकते हैं। फिर उसके बाद फूड्स वगैरह है, मेडिसिन है, ये ऑप्टिमम 20 रुपीज की ऑप्टिमम है, ये 50 रुपए की जो फाइटर्स को बारीक मच्छियों को डालने के लिए है, और ये भी ऑप्टिमम आपको 60 रुपए की ऑप्टिमम है, 10 रुपए की फूड है, ड्राई वॉम्स है, 10 रुपीज वाले ड्राई वॉम्स रहेंगे ठीक है, और ये
25 रुपीज़ में फुट के पैकेट रहेंगे आपको, और मेन वॉल पॉड मिल जाएंगे आपको, वॉल पॉड भी देख ले सकते हैं वॉल में लगाने के लिए, सीधा आएंगे 300 रुपीज़ में कंप्लीट आपको मच्छियों के साथ आ जाएंगे, 300 के साथ मच्छियाँ प्लांट पानी वगैरह सब मिल जाएंगे आपको, लेके आके लगा ले सकते हैं। फिर मेडिसिन है, प्लांट्स है, 10 रुपए ईच वन प्लांट्स है, और क्या बोलते हैं सब प्लांट्स के साथ, प्लांट्स 10 रुपीज़, लाइव प्लांट 70 रुपीज़ ईच वन है जी। और मेन क्या बोलते हैं सो आपको इसके साथ और ये केजस, जो हाँ, वो भी ये केजस बतलाना है उमर भाई, केजस बहुत दिन से बतला रहे हैं मगर के ये इम्पोर्टेंट केजस है उमर भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख ले सकते हैं जी, मैं लगा के ही बतला दूंगा। और इससे ये 1500 रुपये में एक 2 फीट बाई 1 फीट रहेगा आपको, और बर्ड्स का भी खाना आपको मिल जाएगा, जैसे कि छोटे बर्ड्स फीडिंग्स का है वो भी मैं बताऊंगा आपको, नवीस बर्ड्स का खाना देखिए इजी सेट हो गया पूरा, मैनुअल सेट हो गया था, आप घर में लेके आ सकते हैं, कहीं भी रख दे सकते हैं, फिर शौक खत्म हो गया, इसमें खरगोश रख सकते हैं, रैबिट, कैट, तोते के बच्चे, जैसा कि अच्छा, रैबिट्स नहीं आए आपके आज नहीं है उम्र में, थोड़ा मैं शेड्यूल बिजी था, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक बहुत सारे चीजें आने वाले हैं, और मेन नेक्स्ट 1 वीक के अंदर बहुत सारी चीजें भी थोड़ा मैं चेंज करने वाला हूँ कैट केयर तक जी। क्या प्राइस का है केजी? ये उमर भाई 1500 रुपए का है, आप फोल्डिंग भी करके लेके आ सकते हैं, जहाँ चाहे लेके जा सकते हैं, रखने भी सकते हैं, अगर किसी को होना तो घर तक भी हम भिजा देंगे, ट्रांसपोर्ट में भी, और कैट्स भी आपको कहीं भी दूर भिजाना है करना है तो बोल लीजिए वो भी हो जाएगा, बहुत सारे इंडिया ने इंडिया के बाहर भी भिजाएंगे, ऐसा नहीं के जी। ये आपको बर्ड्स का फूड है, देखिए उमर भाई छोटे बच्चे थे, लॉवर्ड के बच्चे, तोते के बच्चे, हैंड फीडिंग जो भी है ना, मिसाल के तौर पर कॉकटेल वगैरह, हाँ बजरीज के लिए भी ये काम कर सकता है, इसमें छोटी पैकेट बड़ी, और छोटे लॉबर्ट्स के लिए भी फूड है, राला बाजरा जो रहता ना जी, पैरेट्स के लिए भी पैरेट्स जी, ये भी अच्छी क्वालिटी का है, डिस्काउंट करके आप लोगों को मिल जाएगा जबरदस्त तरीके से। फिर उसके बाद खतरे भी ले सकते हैं आप, 30 रुपीज़ किलो, 30 रुपीज़ पर केजी है, पर केजी 30 रुपीज़ पर केजी। वो जो व्हाइट सैंड बताए थे आप लास्ट वीक, वो है अभी मिल जाएंगी वो भी? हाँ मिल जाएगी, व्हाइट सैंड मिल जाएंगी, एक्वेरियम्स वगैरह भी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। और एक बात उमर भाई के संडे अपन ऑफर हर संडे रख रहे थे जी, आप कस्टमर से पूछेंगे अपन इंशाल्लाह, हम 2 दिन प्लान करना चाह रहे जैसे के ऑफर के बारे में, अब तक बोल रहे थे खलील भाई बहुत एटीट्यूड दिखा रहे, घमंड दिखा रहे, हम आप पे छोड़ते, हम बीच में 1 दिन लेके आना चाह रहे ऑफर जी, फिशर्स का और इंशाल्लाह कैट का भी लेके आएंगे, और कैट के हेल्थ के बारे में भी बहुत सारी चीजें लेके आने वाले शॉर्टली, तो आप लोग दिन बोलो मेरे को, हम डिसाइड करेंगे, कॉल करके बोलो भाई, कमेंट छोड़ दो आप, मैं कमेंट डिलीट भी करा दे सकता हूँ, कमेंट हटा भी दे सकता हूँ, मगर आप कमेंट पे फोकस नहीं, डिलीट वो अलग मगर के आप मत करिए, वो कॉल करिए, नंबर रहता कुछ भी इश्यूज रहे जो भी बोलना रहे आप मेरे को डायरेक्टली आ सकते हैं, कॉल पे बोलिए कुछ भी इश्यूज है तो मैं क्लियर करूंगा, मेरे को पता ही नहीं चलेगा तो कैसा देखूंगा मैं, बोलो आप बराबर। पहली बात तो आपको, सेकंड ऑप्शन ये है कि जैसे हम 10 रुपीज फिशर्स दे रहे, फिशर्स बीच में भी एक बार हम लेके आएंगे, टाइम आप बोलो, हम 10 कस्टमर की सुनेंगे, हम एक डिसीजन लेंगे, आप लोगों तक नेक्स्ट पहुंचेंगे इंशाल्लाह, यानी पब्लिक के ऊपर है कि आप पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया उमर भाई, मैं तो आईने बेचने वाला हूँ हंदों के शहर में, आप जो होशियार लोग हैं जो मिली कहाँ से, अरे मिलती क्यों नहीं मिलती उमर भाई, क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूँ मैं हंदों के शहर में जी, और कुछ भी बात नहीं है। और क्या बोलता हूँ उमर भाई, छोटी मिसाल है, समंदर में तीरने वाले कभी बॉडी में कुओं में नहीं तीरते, देख लीजिए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के और काम करेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे, आप बेफिक्र रहिए, पब्लिक सपोर्ट में काम करेंगे, जो कुछ भी है ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं 500 लगाया तो किसी को अच्छा नहीं दिखा, किसी को बुरा दिखा, मैं आप लोगों के लिए ही काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, मेरा वर्क देखे तो आप खुद ही परेशान हो जाते, मेरी जगह आप रह के सोचो, या 1-2 वीक खाली 10 रुपए के मच्छर देके दिखा दो मेरे को बस, मैं मान लेता हूं भाई। मैं एक अब आपकी वीडियो में बोलना चाह रहा हूँ, वो एक यानी तकलीफ थी, लोग जो हसद जलन से बोल रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, जो नेगेटिव सोच थे उनके लिए वो बात थी, वरना नॉर्मली मेरे को देखिए जी उमर भाई आसान है, कभी भी आगे मिल सकते दुकान पे। और दूसरी चीज, किसी से नाराजगी नहीं है, देखो उमर भाई मेरा वीडियो नाराज भी है, वीडियो देख रहे कीमती वक्त निकाल के, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे को मालूम है इम्पोर्टेंट टाइम क्या चीज है, मेरे से नाराज रह दो मत रह दो, मुझे 10 गाली दे दो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ,
आप मेरे को 10 गिनो, मेरे को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। क्रॉस चेक करने के लिए मैं खुद 2-3 बार आया आपकी शॉप पे और पब्लिक भीड़ देख के समझ गया मैं लोग को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, ये आइडिया काम इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ लक्ष्य पे काम कर रहा हूँ छोटे बच्चों के लिए, काम मेरा नहीं रुक सकता, मैं मर भी गया तो कोई दूसरे चलाएंगे, मैं रुकेंगे नहीं, आप बेफिक्र रहिए इंशाल्लाह। देखिए अल्लाह ताला सपोर्ट करने वाले हैं और अल्लाह तो सारी कायनात को दे रहा हूँ, और भाई मैं तो एक मासूम सा इंसान हूँ, बच्चों के लिए अच्छाई के लिए काम कर रहा हूँ, अल्लाह ताला बेहतरीन है, ऊपर वाला सपोर्ट करेगा मुझे पता है, और अवाम भी पब्लिक भी मुझे सपोर्ट करेगी अल्लाह के साथ, हमारी जो भी चाहने वाले छोटे बच्चे बड़े एवरीथिंग जो भी है ना, उन लोग भी बेशक सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे, उन लोगों के लिए यहाँ तक हम आए, आगे भी हम उनके लिए काम करेंगे। बराबर, ये जो पॉट्स है आपके पास इसमें कलर्स भी मिलेंगे? नहीं उमर भाई, अभी तो प्लेन आए, कलर आने वाले और इम्पोर्टेड टैंक्स भी आने वाले, इम्पोर्टेड अपनी नई शॉप भी ओपन होने वाली है शॉर्टली, उसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा क्योंकि हम ओपन जिस अंदाज पे करना चाह रहे हैं, कहीं ओपन होने वाली थी कलकत्ता की भी, नहीं भी उमर भाई अभी 1 वीक टाइम लग रहा है क्योंकि वहाँ लाइसेंस का इश्यू चल रहा, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं लाइसेंस के थ्रू, और एक जो मेरी शॉप खुलने वाली है उसके लिए भी हम इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो भी उसके लिए पेंडिंग चल रहा काम, इंशाल्लाह वो भी शॉर्टली हो जाएंगे, वो भी शॉप इंडिया में इस लेवल पे खोल रही जो हम हर किसी को वर्ल्ड पे जाके टक्कर देने के लिए काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट करो और वहाँ तो बर्ड्स की दुनिया हम क्या चीजें दिखाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे काफी सारे अपडेट्स बताऊंगा मैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।